हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। ये फिल्म कहानी है खूबसूरत सी लड़की हेली की। हेली रॉक स्टार है। अपने भाई जैक के साथ वो स्टेज पर परफॉर्म करती है। जब ये दोनों स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तब ये आग लगा देते हैं। दुनिया इनके फैन हो जाती है। इनके लिए खूब तालियाँ पीटी जाती हैं। इन सब के बाद हेली की मुलाकात हुई कार्टर से। कार्टर म्यूजिशियन है और इसके साथ ही प्रोड्यूसर भी है। काफ़ी पैसे वाला था इसलिए हेली को भी कार्टर पसंद आ गया। पर प्रॉब्लम एक थी, एक तो कार्टर की उम्र हेली से काफ़ी ज़्यादा है। हेली महज 19 साल की है और पास्ट में कार्टर ने किसी लेडी से शादी की थी, उसका बच्चा भी था। बाद में कार्टर ने उसे डिवोर्स दे दिया। अब हेली कार्टर से शादी करने के लिए तैयार है। इस तरह इन दोनों की शादी हो गई। कुछ सालों में इनके दो बच्चे भी हो गए। हेली एक दिन जब जैक के पास आई तो वो देखती है कि सोफे पर जैक मरा हुआ पड़ा है। ड्रग के ओवरडोज की वजह से उसकी जान निकल गई। अपने बैंड के साथियों से ये बात बताते हुए कहती है कि जैक के मरने में उसका हाथ है। अगर उसने अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा होता तो शायद वो जिंदा होता। फिलहाल इस बैंड में एक गिटारिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि जैक बहुत अच्छा गिटार बजाता था। हेली ने अंत में एंजो को अप्रूव कर दिया। एंजो बिल्कुल जैक की तरह दिखता है पर वो काफ़ी टैलेंटेड है। हेली अपने भाई की याद में एक एल्बम बनाना चाहती है। इस तरह इस एल्बम की तैयारी हो रही है। आज हेली का लाइव परफॉर्मेंस है स्टेज पर। हेली इसे परफॉर्म करती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तब एक फ़ैन अचानक से उसके सामने आ गया। पहले तो वो हेली से ऑटोग्राफ लेता है और फिर एक लिपस्टिक ऑफर करता है। वो कहता है कि अपने होठों के निशान इस लिपस्टिक पर बना दो। हेली को ये बड़ा ऑड लगा। पहले तो वो इनकार करती है। वो फ़ैन उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करता है। हेली अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इतने में एंजो आ गया। एंजो ने उस फैन से हेली को बचा लिया। इसके बाद दोनों हेली के रूम में जाते हैं। एंजो यहाँ बताता है कि वो बहुत अच्छा मसाज करता है। हेली का मसाज करता हुआ वो उसे निर्वस्त्र करता जाता है। यहाँ वो हेली को जगह जगह से चूमता है। हेली यहाँ काफ़ी एक्साइटेड होती है। इसके बाद दोनों यहाँ आपस में घपाघप करते हैं। बाद में एनी हेली से मिलने आती है। वो कहती है कि हमें नया सॉन्ग जल्द से जल्द बनाना होगा। हेली एंजो से मिलकर कहती है कि हमें नए गाने की तैयारी जल्दी शुरू करनी होगी। जब ये साथ में बैठे हैं तब यहाँ फिर से एंजो हेली के साथ घपाघप करना चाहता है। हेली इन सब से इनकार करती है पर एंजो नहीं मानता। वो अपने बेल्ट से हेली के हाथों को बांध देता है और फिर वो यहाँ ओपन में ही हेली के साथ संभोग करता है। बाद में एंजो हेली को उसके घर पर छोड़ देता है। हेली यहाँ पाती है कि उसके घर में एक नई बेबी सिटर आई है, कमिला। वो इस बारे में अनजान है। कमिला बताती है कि उसे कार्टर ने हायर किया है। हेली बाहर पाती है कि एंजो फिर से आ गया है। वो एंजो से मिलकर उसे जाने को कहती है पर इतने में हेली के दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। एंजो इन दोनों से ऐसी दोस्ती करता है कि हेली को मजबूरन एंजो को घर के अंदर इनवाइट करना पड़ता है। देर रात तक एंजो हेली के बच्चों के साथ खेलता है। रात को एंजो हेली के रूम में जाता है। यहाँ वो हेली को निर्वस्त्र करता है और फिर दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। अंत में एंजो तो यहाँ से चला गया। फिर कार्टर आ गया। सुबह कार्टर अपनी वाइफ के साथ घपाघप करना चाहता है। हेली इन सब से इनकार करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती। कार्टर जब अपनी वाइफ के साथ जिस्मानी संबंध बना रहा है तब वो शीघ्र पतन का शिकार हो जाता है। अपनी वाइफ को कन्विंस करता है कि वो अगली बार अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हेली को समझ नहीं आ रहा कि वो एंजो से कैसे डील करे। वो उसे मना करती रहती है पर एंजो कोई ना कोई बहाना लेकर उसके आस पास भटकता ही रहता है। एक दिन वो पाती है कि एंजो ने कार्टर से भी दोस्ती कर ली है। दोनों साथ में मिलकर बैंड में परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद वो साथ में घर में बैठकर टीवी देखते हैं। रात को जब कार्टर सोने चला गया तब हेली एंजो के पास जाती है। वो कहती है कि तुम हम सब से दूर चले जाओ। एंजो यहाँ हेली को सेड्यूस करना शुरू करता है। वो उसके साथ चुंबन क्रिया करता है। अंत में हेली ने भी गिवअप कर दिया। अब वो भी एंजो को निर्वस्त्र करती है। इसके बाद दोनों रात भर जिस्मानी संबंध बनाते हैं। कुछ दिनों के बाद हेली को अपने ऊपर डाउट हुआ। 6 हफ्ते हो गए हैं और उसका मासिक चक्र नहीं हुआ। वो डॉक्टर से जाकर इस बारे में पूछती है। यहाँ उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जान चुकी है कि ये बच्चा एंजो का है पर वो अपने पति से मिलकर ये कहती है कि ये बच्चा उसका है। कार्टर कहता है कि उसने तो वैसेक्टोमी कराई थी पर वो अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है ये कहकर कि 2000 में से एक ऐसा केस होता है जिसमें कि वैसेक्टोमी के बाद भी आदमी फादर बन सकता है। कार्टर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। बाद में हेली एंजो से मिलती है। वो कहती है कि तुम हम सब से दूर चले जाओ। एंजो यहाँ एक वीडियो दिखाता है कि किस तरह बचपन में अपने फादर के द्वारा तिरस्कृत हुआ था। उसके फादर उसे नहीं उसकी सिस्टर को ज़्यादा प्यार करते थे।
एंजो ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि एक लड़की को चेयर से बांधा गया और उसके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई और किस तरह वो लड़की मर जाती है। ये वीडियो हेली को काफ़ी पसंद आई है। अब वो सोच रही है कि इससे आइडिया पर नया वीडियो बनाया जाए। इस तरह अगले एल्बम के डायरेक्शन का काम एंजो को मिला है। एंजो अब हेली को तैयार करता है, उसका मेकअप करता हुआ वो उसके काफ़ी क्लोज आता है। ये सब जब कार्टर देखता है तब उसे अच्छा नहीं लगता। अब धीरे धीरे उसे एंजो और हेली पर शक होने लगा है। एक दिन जब एनी हेली से मिलकर जा रही है, इसके बाद कुछ घंटों में ही खबर आती है कि एनी का एक्सीडेंट हुआ और वो मर चुकी है। ये सब जानकर हेली काफ़ी नर्वस होती है। वो इमोशन में बाहर आती है, देखती है कि कार्टर यहाँ पर खुदाई कर रहा है। कार्टर को अब हेली के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। वो उसे कहता है कि ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। यहाँ वो हेली को डिवोर्स देने की भी बात करता है। वो इतना हिंसक होता है कि हेली अपने आप को बचाने के क्रम में पड़ोस में चली जाती है। पड़ोस में उसके दोस्त रहते थे, पर यहाँ एंजो ने दरवाज़ा खोला है। एंजो कहता है कि अब उसने ये घर किराए पर ले लिया है। यहाँ वो हेली का हाथ पकड़कर कहता है कि हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, शादी कर लेंगे और इस बच्चे को नई ज़िंदगी देंगे। हेली यहाँ पाती है कि एंजो ने यहाँ उसके दोस्तों को मार दिया है। वो मौका देकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब वो बाहर आती है तब देखती है कि कार्टर को भी मारा गया है, वो इंजर्ड है। यहाँ कैमिला उसकी बेबी सिटर आती है, वो भी हेली की हेल्प करने से इनकार कर देती है। हेली को पता चल चुका है कि कैमिला दरअसल एंजो की माँ है। इन दोनों ने मिलकर ये सारी साजिश की है। यहाँ पर एंजो हेली पर अटैक करता है। इन दोनों में यहाँ घमासान लड़ाई होती है, पर अंत में जैसे तैसे हेली ने एंजो को मार दिया। वो अपने हस्बैंड कार्टर को हॉस्पिटल लाती है। कार्टर कुछ दिनों में होश में आता है, पर अब वो अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहता है। हेली भी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए डिज़र्व नहीं करती, पर अंत में यहाँ कार्टर ने उसे माफ़ कर दिया है। अब दोनों ने नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला किया है। हेली बताती है कि उसने अबॉर्शन करा लिया है। फिल्म के एंड में एक ट्विस्ट दिखाया गया है। कैमिला जो कि पकड़ी नहीं गई, वो इस हॉस्पिटल में है। वो इंजेक्शन में ड्रग्स भरती है और फिर कार्टर के रूम की तरफ जा रही है। और इसी सस्पेंस पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है।